नमस्कार दोस्तों अगर हम पूरे विश्व भर में देखें कि कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा एमिट करता है तो यहां पर आपको टॉप थ्री देशों में चाइना यूएस और भारत देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि हम टोटल एमिशन की बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन से देश के द्वारा निकाला जाता है लेकिन यहां पर आपको पता होगा कि चाइना और भारत जैसे देश के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली टोटल के टर्म्स में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा लेकिन अगर हम इसको पर कैपिटा के बेसिस में कन्वर्ट कर दें तो यहां पर भारत का रैंक बहुत नीचे आता है मतलब पर कैपिटा के बेसिस पर हम

इन सबको क्या किया जाता है एक बार खराब हो जाते हैं तो ज्यादातर उसको थ्रो थ्रो कर दिया जाता है इसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट काफी ज्यादा होता है तो उसको रेड्यूस करने की जरूरत है कुछ इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए यूके के द्वारा एक लॉ लाया गया है कानून लाया गया है जिसको बोला जा रहा है राइट टू रिपेयर लॉ इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या होगा और क्या भारत के अंदर भी ऐसा कुछ हमें करना चाहिए भारत के अंदर इस समय क्या प्रोविजन है इस सभी चीजों से रिलेटेड इन सबको जानने की कोशिश करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पर मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं भाई सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए स्टडी आई का यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सभी चीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी चलिए इसकी हम शुरुआत करेंगे लेकिन इसके पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है आपको बताना है ई दाखिल पोर्टल के बारे में ई दाखिल पोर्टल एग्जैक्टली है क्या कौन सा राज्य जो है सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट किया था ये दोनों स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका जो राइट आंसर है मैं अपने क्वेश्चन के यहां, वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा नेक्स्ट यहां पर अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली exactly हुआ क्या है तो यूके के द्वारा यूनाइटेड किंगडम के द्वारा कंफर्म किया गया है

वॉशिंग uh, मशीन खरीदा वो खराब हो गया तो फर्स्ट टाइम एल की जिम्मेदारी होगी कि उसको रिपेयर करके देना पड़ेगा यही सेम चीज यूके के अंदर लाया गया है कि पहली बार जब वो कोई आइटम खराब होगा वाइट गुड्स जो हैं जो कि हाउस आइटम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उसको यहां पर ठीक करके देना होगा ये राइट बना दिया गया है ये अधिकार बना दिया गया है, जैसे राइट टू स्पीच हो गया ठीक है उसी प्रकार से आप ये भी कह सकते हो तो बेसिकली क्या हुआ है आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑफ जनवरी से जो यूके है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है यूरोपियन यूनियन ने इसको ऑलरेडी लागू कर दिया था इसके लिए यहां पर प्रेशर था यूके के ऊपर भी कि आप भी इसी तरह का कुछ कानून लेकर आइए और फाइनली यूके जो है ये कर रहा है तो यहां पर बेसिक अर्थ क्या है राइट टू रिपेयर का कि अगर आपका जो आइटम है कोई भी गुड्स है वो खराब हो जाता है तो पहली बार पहली बार उसको रिपेयर किया जाएगा यह आपका अधिकार है अब हम आते हैं कि इसका मेन एम क्या है देखिए एक तो यह हो गया कि कंज्यूमर को सुविधा हो जाए लेकिन दूसरा यहां पर बोला जा रहा है कि जो पहले लो क्वालिटी के प्रोडक्ट बने, बने, बना करते थे जो चौकी जो जल्दी खराब हो जाते थे वो ऐसा ना किया जाए अब क्योंकि यहां पर जिम्मेदारी आ जाएगी कंपनीज के ऊपर कि उनको ठीक करना पड़ेगा उनका एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो यहां पर उस प्रोडक्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि उसका जो लाइफ स्पैन है मतलब वो लंबे समय तक चल सके तो यूके का कहना है कि हम चाहते हैं कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो एटलीस्ट दस साल तक चल सके ये हमारी कोशिश है और इसकी

अगर ये वाला लॉ अच्छे से इंप्लीमेंट हो गया तो 1.5 मिलियन ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको हम कम कर सकते हैं मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसमें से 1.5 मिलियन टन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वो हटाया जा सकता है जिसकी वजह से जो कार्बन एमिशन है यूके का वो काफी बड़ी मात्रा में कम किया जा सकता है इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि ये जो स्टैंडर्ड्स लाए जा रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया कि कबाड़ में फेंकने से अच्छा है कि यहां पर उसको रिपेयर करके अच्छे से चलाया जा सके क्योंकि यहां पर होता क्या था बेसिकली जो कंज्यूमर है उसका कंप्लेन आता था लगातार कि हमारा कोई आइटम खराब गया वॉशिंग मशीन है रेफ्रिजरेटर है तो उसके जो पार्ट होते हैं सपोज उसका कोई एक छोटा पार्ट खराब हो गया तो यहां पर हम भारत में यूजली क्या करते हैं उस पार्ट को बदलवा देते हैं उसको फिर चलाते हैं लेकिन यूके के अंदर यह देखने को मिल रहा था डेवलप देशों के अंदर उस पार्ट को ही नहीं बनाया जाता था मतलब उस पार्ट को अलग से ऑर्डर करना होता था फिर बहुत टाइम

रिपेयर किया जाएगा मैंने आपको बताया पहली बार इसको रिपेयर करना होगा ये जिम्मेदारी है जो कंपनीज है उनकी लेकिन क्या ये फ्री होगा देखिए फ्री ऑफ चार्ज होगा लेकिन यहां पर ये वारंटी में होना चाहिए मतलब सपोज पांच साल की वारंटी है छह साल की वारंटी है तो उस वारंटी में होना चाहिए तब आपका ये रिपेयर फ्री में कर दिया जाएगा मतलब ये जिम्मेदारी डाल दी जा रही है कंपनीज के ऊपर लेकिन हाँ वो जो दस साल का मैंने बताया वो तो एम है वो एम है यूके का कि जो गुड्स हैं अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो वो दस साल तक एटलीस्ट ऑपरेट कर सके ऐसा सोचना है और इसके अंदर आइटम्स कौन कौन से हैं जैसे कि आप देख सकते हो रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन डिश वॉशर्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस लाइट सोर्स मतलब बहुत सारे आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे लेकिन याद रखिएगा अब ऐसा नहीं है कि स्मार्टफोन हो गया ठीक है ये सब अलग चीजें हो जाती हैं स्मार्टफोन हो गया अ, मतलब इस तरह की चीजें रिपेयर नहीं कराई जाएंगी ये इसके अंदर नहीं आएगा ज्यादातर ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर यही आपको देखने को मिलेगा और इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि एनर्जी सेव करने के लिए पहले क्या होता था वहां पर ए प्लस ए प्लस प्लस ए ट्रिपल प्लस इस तरह की मार्किंग दी जाती थी लेकिन अब यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड पर ही किया जाएगा दैट इज ए टू जी स्केल वाले बेसिस पर ए बी सी डी मतलब कि यहां पर बोला जा रहा है कि ए वाले कैटेगरी के अंदर जो आइटम्स हैं वो इतना जल्दी एंटर नहीं कर पाएंगे ए वाले कैटेगरी वो वाले कैटेगरी होंगे जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट कैटेगरी होगी तो यहां पर कुछ ही ऐसे आइटम्स हैं जो कि ए कैटेगरी में आ पाएंगे और यहां पर जो कंज्यूमर्स हैं वो अच्छे से देख सकता है कि ए कैटेगरी में कौन सा है और उसको परचेस कर सकता है तो पहले क्या होता था कि सभी ए कैटेगरी में होते थे ए ए प्लस 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 ज्यादातर ऐसे ही देखने को मिलता था लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा और इनफैक्ट यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जो रूल्स रेगुलेशन अगर आप देखोगे तो नदन आइलैंड है क्योंकि जो आयरलैंड है वो अभी भी यूके का पार्ट है लेकिन जो ऊपर का नदन आयरलैंड है ये आपका यूके का पार्ट है सॉरी जो आयरलैंड आप देख रहे हो ये यू का पार्ट है यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और ऊपर वाला ये नदन आयरलैंड ये यूके का पार्ट है लेकिन कुछ ऐसी चीजें की गई थी यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में एग्रीमेंट जिसके तहत नदन आइलैंड में ही जो यूरोपियन यूनियन है उसका रूल चलता रहे तो वो वहां पर वह, वही रूल चल रहा है ठीक है ये आपको छोटी सी चीजें ध्यान रखनी है लेकिन ये तो हमने यूके का समझ लिया भारत को लेकर क्या है भारत के अंदर क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर तो आपको याद होना चाहिए कि 1986 में कानून पास कराया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेकिन दो में इस कानून को रिप्लेस कर दिया गया था दो के कानून से और फाइनली जुलाई टू में यह नया एक्ट आ गया जिसको बोला गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू ये नया कानून लाने का मेन मकसद यही था कि जो डिजिटल एज है आज के जमाने में डिजिटल एज के समय यहां पर जो कंज्यूमर्स अलग अलग प्रकार की चीजें फेस करते हैं उनसे उनको राहत दी जा सके और इसके अंदर अभी आपको टोटल छह राइट्स देखने को मिलेंगे जैसे कि प्रोटेक्शन हो गया कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं हो जो कि कंज्यूमर को हार्म करे दूसरा दु है यहां पर उसकी क्वालिटी कैसी है क्वांटिटी कैसी है पोटेंसी कैसी है प्योरिटी कैसी है सब कुछ यहां पर कंज्यूमर को इन्फॉर्म होना चाहिए अश्योरेंस मिलनी चाहिए कि यहां पर जो क्वालिटी ऑफ गुड्स वो खरीद रहा है वो सही दाम पर खरीद रहा है कोई अगर प्रॉब्लम है

जा सकती है तो इस तरह के प्रोविजन रखे गए हैं। लेकिन क्या यह जो यूके का लॉ है क्या ऐसा कुछ है? बात है हमारे देश में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि राइट टू रिपेयर जैसे करके लेकिन एक प्रोडक्ट लाइबिलिटी करके चीज है प्रोडक्ट लाइबिलिटी में अगेन वही चीज है कि यहां पर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि हमें कोई हार्म करे हमें नुकसान हो तो उसकी जो भरपाई है वो यहां पर कंपनी को करनी पड़ेगी उसके लिए यहां पर जो भी बिल के अंदर ये जो नया एक्ट लाया गया था उसके अंदर जो भी चीजें लिखी गई हैं कंज्यूमर को वो प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि इसकी वजह से हमें चीजें हुई हैं और यहां पर कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी कि उसको वो रिपेयर करके दे या फिर कंपनसेट करके दे अगर आपके हेल्थ को कोई प्रॉब्लम हुई है तो ये चीजें लाई गई हैं लेकिन भारत के अंदर ये जो राइट टू रिपेयर है ऐसा कुछ यहां पर अभी लाया नहीं गया है लेट्स सी कि क्या इस

इसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा दूसरा गलत है क्योंकि दिल्ली पहला राज, पहला राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी जो है जिसने इसको इंप्लीमेंट किया था तो ओनली वन इज करेक्ट ये आपको ध्यान रखना है जाने से पहले एक और आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनके जो एसेट्स होते हैं इनमें से चार में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि एसेट के अंदर नहीं आएगी इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो अगर आप उससे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं स्टडी आई ऐप पर जा सकते हैं आई होप होकि वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम टेल दे थैंक यू वेरी मच सी यू सोन